हाय हमारी माता है, हाय शुक्र है पहुंच गए। रॉक देखो या पैक में क्या करेंगे आपको पता चलेगा फिर। What's up, good morning, beautiful people, कैसे हैं आप लोग। कल का दिन बड़ा ही अजीब सा था। कल मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भाई शायद से कि बारिश हो जाए और मैं घर निकल लूँ, और वही हुआ। मैं घर निकल ही गया था क्योंकि मुझे पता था बारिश होने वाली है, तो घर निकल ही जाते हैं। और ऊपर से क्या था कि भैया क्लास का भी सीन था, क्लास थी 7 बजे और 5 बजे बारिश आ गई। मैंने सोचा भाई सही, एकदम प्रेडिक्शन जो थी मेरी सही थी। वेदर फोरकास्ट देख रहा था मैंने कहा भाई अभी नहीं आए तो अब आएगी। वर्कआउट भी मैंने इसलिए किया, मैंने कहा अभी वर्कआउट कर लेता हूँ, बाद में ठीक हो जाएगा मौसम तो चल देंगे। फिर क्लास के लिए थोड़ा ऐसे ही हुआ था, डाइसी सा हो रहा था कि भैया होगा कि नहीं होगा, और देख लो भाई हुई नहीं। कल का यही सीन था, तो आज फिर हम जा रहे हैं क्लास के लिए। आज भी यही ऐसे ही हो रहा था, मौसम देख लो अब कैसा हो रखा है अभी। ठीक है, मैं तो पता लगा रहा था ब्लैक वाला अंदर से, तो मेरे को पता ही चल रहा इतना शायद से ठीक ही है। अभी तो मौसम खुल रहा है, तो 8 बजे तक का दिखा रहा है कि वो खुला होगा। ठीक है, 9 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश तो नहीं कह, थोड़ा ठंडा टाइप का दिखा रहा था, तो लेट्स सी क्या होता है। 8 बजे तक तो नहीं है, 8 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे क्लास के लिए। अरे तेरी, बड़ा दुख लगता है यार, गाड़ी बाइक साफ करके रखो और बारिश हो जाए। लोग निकल पड़े हैं अपने जॉब के लिए, तो भाई यहाँ से निकलते हैं पहले, क्योंकि यहीं से निकलना बड़ा टास्किंग सा होता है। क्या 8 बजे का सेशन, तो 8 बजे वहाँ पहुँचना है, तो मैं भी जल्दी निकल गया हूँ, तो आधे घंटे में, मुश्किल से आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। अब देख ही सकते हो सामने, ऐसे होगा तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसी भीड़ लग रही है यहाँ पे। अरे भाई किसी ने वो फेंक दिया है भाई, मुझे समझ नहीं आता क्या गाय पालते हैं लोग, ये तो हाल है। ये देखो भाई सामने फेंका हुआ, ये गाय आए हमारी माता है, माता को ये खिलाते हैं। कभी कभी लगता है कि भाई आराम से चलाओ 50-60 की स्पीड पे, मन नहीं करता तेज भगाने को। बहुत तेज हो रहा है चेपियां लग रही है भाई, चेपियां रोडों पे, चेपियां जो हम पतंगों में लगाते थे, पतंग फट जाती थी तो चेपियां लगाते थे, तो वही हाल हो रहा है रोड का भी। और ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल जा रहा हूँ या उत्तराखंड जा रहा हूँ। भाई मौसम जबरदस्त, भाई मौसम जबरदस्त, मौसम ओपी इन द चैट गाइस, ओपी इन। हाँ ये फुटपाथ दिखाई दे रहा है इन्हें, इनको यहाँ से देख रहे हो क्या नमूने पैदा हो रखे भाई। यहाँ से बंदा आराम से चढ़ के उधर आराम से जा सकता है ना, टाइम पे वेस्ट करना तुमसे कि ब्रेक के लगा। ट्रैफिक वैसे कम है दिल्ली में, जो हॉल करवाना चाहते हो जरा टुकेगा नहीं उड़ के जाएगा, समझते नहीं है बात को भाई, आ जाते रात को। सो बारिश आने के चांसेस बन चुके हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। निकलते फटाफट भाई, ग्लव्स पहन के, क्योंकि तो अगर ज़रा सी भी देरी हुई ना तो मेरा गोप्रो भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा और बैग भी जाएगा, मतलब ओवर टोटल सब जाएगा। तो निकलते हैं भाई फटाफट से, अब जल्दी से पहुँचते हैं, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है अभी इतनी जल्दी आएगी तेज। हे भगवान रुक के रखना। हाय शुक्र है पहुँच गए। ओके सो अपन हो गए रेडी वर्कआउट के लिए, और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं दिन के, और देख ही सकते हो भाई खाली बड़ा, लाइटें ऑफ है, कोई नहीं है जिम में। ऐसा जिम किसको नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं है, सब अपनी मशीन है। आज हम करने वाले बैक, सो बैक में हम करने वाले हैं आज ब्लॉग। देखो बैक में क्या करेंगे आपको पता चलेगा फिर। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो कि डेडलिफ्ट नहीं करते हैं, सो डेडलिफ्ट का भी ये सीन होता है, बैक में डेडलिफ्ट करनी ज़रूरी है। ठीक है, आप जब भी बैक करो उसमें डेडलिफ्ट करो, पहले नहीं, जब आपने पावर ट्रेनिंग करनी हो तब पहले सबसे स्टार्टिंग ही वही करो। ठीक है, क्योंकि पावर उस वक्त अच्छी होती है, जनरेट कर सकते हो और पावर जनरेट कर सकते हो,
तो वो पहले रखो। जैसे जिस दिन आपने जैसे बैक का एक सिंगल बॉडी पार्ट करना हो बैक का, ठीक है, तीसरी चौथे चौथे वर्कआउट में अपना डेडलिफ्ट अपना कर सकते हो, ठीक है। ग्रिप भी पावर नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं मारने, ना कम रेपिटेशन, 8 to 10 रेपिटेशंस आप कर सकते हो डेडलिफ्ट के अंदर, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जो आप मैक्सिमम गए हो पावर में, उससे 30% डाउन, 30 या 40% डाउन आपने मारना है, ठीक है, मारना मीन्स करना है, ठीक है, मारना नहीं है किसी को, करना है, ठीक है। 30-40% आपने करना है अराउंड राउंड। जैसे आप 100 किलो मार चुके हो, लास्ट आपका पीआर 100 था, ठीक है, तो आपने 60-70, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं करना, ओनली 60 या 70% जो है आपने वो करना है, मतलब 60-70% नहीं, सॉरी 60-70 kg आपने करना है 8 रैप्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे लेग पुल डाउन है, ठीक है, चिन अप्स, अब लोग क्या करते हैं, वार्म अप में चिन अप्स करते हैं, फर्स्ट चिन अप्स जो है वो वर्कआउट है, ठीक है, वार्म अप नहीं है। जो जिसकी भी गलत फहमी है भाई, वो दूर कर लो अपनी, ठीक है। चिन अप्स पहले होता था, हमने भी मारी है, हमने भी वो गलतियाँ करी है, बट धीरे धीरे गलतियाँ इम्प्रूव करी जाती है, सोल्यूशन निकाला जाता है। वार्म अप अलग होती है, वार्म अप होता है मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी, बैक का मोबिलिटी वर्कआउट करो, आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें करनी है, वो आपने करनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी है, मेरे से एडवांस लोग भी है बहुत, जो कि बताएंगे आपको, वो भी देखना, वो भी करना। अगर जो बिगनर्स है वो मेरा देखो भाई, भाई अपना प्रमोट तो करेंगे ना भाई, समझा करो, ठीक है ना। तो जो है वो आपको देखना होगा, आपका मन करे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ओके। एंड अभी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट आ गया यार, देख ही सकते हो, पहले की फोटो दिखाऊंगा ना आपका, हो गया, अरे भाई साहब क्या करके बैठ गया। वर्कआउट नहीं कहूंगा इसको, मोबिलिटी वर्कआउट है, हमारे बैक को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अगर आवाज आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो एडजस्ट कर लेना, वॉइस ओवर डाल दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग जो करनी है, हैंगिंग जो हैंग कर सकते हैं, जो चिन अप्स करते हैं उनके लिए ये, ठीक है। तो शोल्डर से विद शोल्डर से थोड़ा वाइड लेना है, ठीक है, एंड हैंग करना है। हैंग करने के बाद आपने सिर्फ बैक मसल को, सिर्फ ये पुलिंग पोजिशन ये, वन पूरा लूज छोड़ना, पूरा, ठीक है, पूरा स्ट्रेच करना है। उसके बाद अगर किससे नहीं होता ये चीज, ठीक है, ऑल्टरनेट में बताता हूँ, ऑल्टरनेट कैसे बताऊँ आपको मैं, ओके, ये पीवीसी पाइप है, साइज में मिल जाएगा, पाइप होता है नॉर्मली, साइट वाइट करते हैं लोग, ठीक है, तो वो है। अब इसको यूज कैसे करना है, सो यूज करने के लिए एक मिनट, उसका जो मैंने अभी करा उसका ऑल्टरनेट जो है वो है बिहाइंड द नेक, ठीक है। नॉर्मली लोग करते नहीं है बिहाइंड द नेक, लेकिन करनी बहुत जरूरी है बिहाइंड। उसके लिए आपको ले डाउन करना है अपने फ्रंट पे, ठीक, और सेम वही चीज करनी जो पहले करी थी, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इनकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी नहीं है, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी और बैक जो है आपकी एक्टिवेट हो जाएगी बिफोर बैक वर्कआउट, ज़रूर करें। I got them all in a panic. All in my ear, they know it's my year. Just give me a chair, I can't stand it. They know that I'ma be popping. With all of this fire, I'm dropping. I am so. पहुंच गया लगभग लगभग पीछे वाली रोड पे। हाँ क्या, अरे मैं पहुंच गया रहा, बारिश शुरू हो गई एकदम ही। हाँ दरवाजा खोल के रखो बस, मैं पहुंच रहा हूँ, भीगता भीगता पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा लेकिन। चलो बाय।
भाई देख लो, अभी भी बारिश आ रही है हल्की हल्की। तुम्हारा भाई पहुंच गया था टाइम पे, वरना हो जाता कांड। थोड़ा बहुत भीग गया बट ये है कि पहुंच गया। अरे यार ताला पता नहीं क्यों लगा देते हैं। एक तब से इतनी खतरनाक बीटी हो रही है ना, खतरनाक बीटी। मैं डेडलिफ्ट के बारे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि भैया रिकॉर्ड करके मैं कुछ बता सकूँ सबको। भाई साहब 15 मिनट हो गए मेरे को, एक लाइन नहीं बोली गई। भाई साहब हम दिल से एक्टर नहीं है भाई, ना दिमाग से एक्टर है। हमें जो आता हम बोल देते हैं, और लिख के बोला भी, लिख के भी नहीं बोला जा रहा भाई, लिख के भी नहीं बोला जा रहा। कभी इधर अटक रहा हूँ, कभी उधर अटक रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ भाई। तब से ये भी हंसी जा रही है, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। गलत ही सीन हो रहा है यार, बहुत गलत सीन हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। क्या क्या करना पड़ता है यार, कैसे कर लेते हैं सारे यूट्यूबर्स। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है भाई। भाई इसी चक्कर में अब मेहनत इतनी कर रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और लाइक भी करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अगली एक्सरसाइज अगर कोई करनी हो और उसके बारे में जानना हो तो मेरे को जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर नहीं पता चलता तो डीएम भी करना, डू लिमिटलेस 2.0 पे भी, और डू लिमिटलेस मेरे पहले वाले इंस्टाग्राम वाले पे भी जिसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो वाला, तो उस पर जरूर डीएम कर देना कौन सी एक्सरसाइज आपको जाननी है, ठीक है, उसके बारे में कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है उसको वो भी, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और मे बी शायद से आपको रील्स में भी पता चल जाए आपको कैसे करनी है, और नई नई एक्सरसाइज भी आपको पता चले बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। एडवांस तो बहुत अलग हो जाता है। एग्जाम्पल मी एग्जाम्पल यू मी मी जैसे कि पीछे जो बैठे हुए हैं उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत है, तो या ये भी करते रहेंगे तो आपको फीमेल्स के लिए भी पता चलता रहेगा कौन कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिशियल है फॉर फीमेल्स। या आई थिंक शायद से सही इंग्लिश बोली, या 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 ठीक है, मिलते हैं। ओके गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। ब्लॉग को यही डी एंड करते हैं, और अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे नई एक्सरसाइज के साथ, और डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है वो चीजें आपको बताएंगे। ओके टिल देन बाय।